ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही इसकी सड़क बरसात की पहली बारिश में ही धस गई है। दरअसल इटावा से चित्रकूट जाने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 28 महीनों में ही तैयार कर लिया गया था और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का जालौन से उद्घाटन किया था। लेकिन उद्घाटन के महज 4 दिनों के भीतर ही जालौन के करीब एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा 2 से 3 फीट गहरा धस गया। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे का ये हाल लगातार हुई भारी बारिश के बाद हुआ है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कैथेरी में शुभारंभ किया था। महज 4 दिन बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीर बदलने लगी। इस समय हम दिखा सकते हैं कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जहां पर ये क्षतिग्रस्त हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे क्षतिग्रस्त हुआ है। बारिश के कारण इस एक्सप्रेसवे पर काम प्रभावित हुआ है और जो चित्रकूट से औरैया तक एक्सप्रेसवे जाता है, निश्चित ही क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को असुविधा हो रही है। साथ ही बता दें कि यहाँ JCB मशीन द्वारा इसको खोद दिया गया, क्योंकि ये कई फुट गहरा गड्ढा हो चुका था इस एक्सप्रेसवे से, जिससे कि कई गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और जिससे कई लोग चुटेल भी हुए थे। तो UPDA द्वारा इसको खुदवाया गया है और इसको मरम्मत के लिए अधिकारी लगे हुए हैं, जिससे कि इस एक्सप्रेसवे को सही किया जा सके। बता दें कि UPDA के CEO अवनीश अवस्थी ने कहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गुणवत्ता पूर्वक बनाया जा रहा है, लेकिन पहली ही बारिश में इसकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगने लाजमी है। एक्सप्रेसवे धसने से एक के बाद एक कई गाड़ियां गड्ढे में जा गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार यात्री भी घायल हो गए। फिलहाल एक्सप्रेसवे के धसे हुए हिस्से की मरम्मत UPDA कर रहा है, लेकिन उद्घाटन के 4 दिन बाद ही एक्सप्रेसवे के हिस्से का धस जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है, जिसमें एक्सप्रेसवे बनाते समय सही गुणवत्ता और मटेरियल का ध्यान रखना दर्शाता है। आपको बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण गावर कंपनी द्वारा पैकेज 4 के अंतर्गत किया गया है, जो फिलहाल 4 लेन का बना है। हालांकि इसे बढ़ाकर 6 लेन तक किया जा सकता है।